हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशू और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद रेशू में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डोरा केक बनाने की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे तवे पर और वो भी बिना अंडे के और बिना कंडेंस्ड मिल्क के, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। ये मैंने 1 कप मैदा लिए है और सभी इन्ग्रीडियंट्स का मेजरमेंट आपको 1 ही कप से करना है। 1/2 कप है शुगर पाउडर, इसे मैंने घर पर ही चीनी को पीस कर बनाया है। मिल्क पाउडर लेंगे 1/4 कप। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा है 1/2 छोटी चम्मच। शहद लेंगे 2 बड़े चम्मच। वनीला एसेंस लेंगे 1 छोटी चम्मच। और बैटर बनाने के लिए लेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध। दूध जो है वो नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पर। ये मैंने लिया है चॉकलेट स्प्रेड डोरा केक में फिलिंग के लिए, और आप इसकी जगह पर जैम भी ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेकर इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि जब हम बैटर बनाएं तो उसमें लम्स ना बने। तो ये डाला मैंने 1 कप मैदा। इसमें जो चीनी को पीस कर पाउडर बनाया है उसको डाल देंगे 1/2 कप। मिल्क पाउडर है 1/4 कप। बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। अब इन सभी को छान लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। बैटर बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई लम्स नहीं है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अभी इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच शहद, 1 छोटी चम्मच डालेंगे वनीला एसेंस। मिक्स कर देंगे दोनों को अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब मैंने इस तरह की एक स्पून ले ली है, इसी से सभी पैनकेक्स बनाऊंगी, जिससे कि जो पैनकेक्स का साइज है वो एक जैसा बनेगा। बैटर बनाने के बाद अब ये गैस पर मैंने तवा रख दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और पेपर टॉवल से इस तरह इसको पोंछ देंगे। बैटर को स्पून में फिल करके बिल्कुल सेंटर में डालेंगे इस तरह से, और इस पैनकेक को हमें फैलाना नहीं पड़ता है स्पून से, ये खुद से ही फैल जाता है, पैनकेक की अच्छी सी शेप ले लेता है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और ढककर लगभग 1/2 से 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने देंगे नीचे से। 1/2 से 1 मिनट के बाद इस पैनकेक को पलट देंगे और अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है इसमें। ये जो कलर है वो चीनी की वजह से आता है, क्योंकि हमने पिसी हुई चीनी डाली है, तो ये कैरमल कलर उसी की वजह से आता है। अब इसे ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए नीचे से और सिकने देंगे। आपका जो पैनकेक है उसे बनने में लगभग 2 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये दोनों साइड से अभी सिक गया है पैनकेक, तो इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में और इसी तरह से सभी पैनकेक बनाकर तैयार करेंगे। हर बार आपको ऑयल नहीं लगाना है तवे पर, 2 से 3 पैनकेक बना लीजिए, फिर उसके बाद आप ऑयल लगाइए, फिर पेपर टॉवल से पोंछ लीजिए। तो ये मैंने 1 चम्मच और डाला इसमें बैटर और इसे भी सिकने देंगे दोनों साइड से। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में एक ही पैनकेक सेकना है, तवे पर जितने भी पैनकेक आ जाएंगे आप एक बार में सेक सकते हैं। सभी पैनकेक मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे से सिक गए हैं, कलर बहुत अच्छा आया है, काफ़ी स्पॉन्जी भी बने हैं। तो अभी इन्हें पहले ठंडा हो जाने देंगे, फिर उसके बाद फिलिंग करेंगे। अभी मैंने 2 पैनकेक ले लिए हैं, 1 पैनकेक के ऊपर लगाऊंगी मैं चॉकलेट स्प्रेड। चॉकलेट स्प्रेड को मैंने फिल कर लिया है पाइपिंग बैग में, आप चाहें तो स्पून से भी फिलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर दूसरा पैनकेक रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और ये तैयार हो गया है यम्मी डोरा केक बनकर। चॉकलेट फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।